अस्सलाम वालेकुम। लिसानी ओलंपिक्स में आप तमाम का खैर मकदम है। आज के इस वीडियो में हम गुब्बारे की दौड़ का खेल खेलेंगे। इसके लिए दरकार वसाइल मुज़क्कर मोनस के फ्लैश कार्ड्स और गुब्बारे हैं। ये एक जोड़ी में खेला जाने वाला खेल है। जैसे ही खेल शुरू होगा, बच्चे अपने अपने जोड़ीदार के साथ गुब्बारे को हाथ लगाए बगैर सर से बैलेंस करते हुए फिनिशिंग लाइन की तरफ आगे बढ़ेंगे और बेतरतीब फ्लैश कार्ड में जींस की सही जोड़ी कार्ड्स लेकर, जैसे राजा रानी, बेटा बेटी, इन जोड़ियों को लेकर दोबारा गुब्बारे को सर से बैलेंस करते हुए शुरुआती लाइन पर आ जाएंगे। इसी तरह गुब्बारे को दोबारा बैलेंस करते हुए जाएंगे और दूसरी जोड़ी लेकर आएंगे। इस पूरे खेल के लिए 2 मिनट का वक्त तय किया जाएगा। 2 मिनट में जितनी ज़्यादा सही जोड़ियां जमा करेंगे, इतने ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। एक सही जोड़ी के लिए 2 पॉइंट दिए जाएंगे। गलत जोड़ी के लिए कुछ भी पॉइंट्स नहीं होंगे। आइए अब देखते हैं इस खेल के उसूल और जवाबित। इस खेल के लिए दौड़ में 2 मिनट का वक्त मुकर्रर होगा। एक बार की दौड़ में एक ही जोड़ी लानी होगी। गुब्बारे को हाथ से छूना मना है। अगर कोई टीम गुब्बारे को हाथ से छूती है या किसी का गुब्बारा गिर जाता है तो वो दोबारा शुरुआती लाइन से अपने खेल को शुरू करेंगे। इस खेल से हासिल होने वाले मकासद। बच्चे मुज़क्कर मोनस की शराख्त करेंगे। अपने मियार के मुताबिक मुज़क्कर मोनस की सही जोड़ियों को बनाने की कोशिश करेंगे। 2 मिनट के बाद हर टीम से जमा की गई सही जोड़ियों का मुआयना किया जाएगा और उसके मुताबिक उन्हें पॉइंट्स दिए जाएंगे। पॉइंट्स को स्कोरशीट में दर्ज किया जाएगा और आखिर में फातह टीम का ऐलान किया जाएगा। स्कोरशीट में खिलाड़ियों की जोड़ी का नाम, जमा किए गए कार्ड्स और कुल निशाना दर्ज किए जाएंगे। जिस टीम के ज़्यादा पॉइंट्स होंगे वो फातह कहलाएगी। कुछ इस तरह स्कोरशीट तैयार होगी और फातह टीम का ऐलान किया जाएगा।